शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, तुर्किया में एक और आफत की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में क्यामत खेज तबाही का मंजर हरसू था। दोस्तों, ऐसी भी कौन सी तबाही ने तुर्किया के शहर इस्तांबुल को तबाह कर दिया, इसकी वजह क्या सामने आई है, वो जानने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी नहीं बल्कि चंद माह पहले की है कि जब तुर्किया में पैदर पे आने वाले जलजलों ने 400 क्यामत खेज तबाही मचा दी थी। बुलंदो बाला इमारतें जमीन बोस हो गई थी, सड़कों पर गहरे शुगाव पड़ गए थे, लोग जमीन धनस कर रह गए थे। इस दिल दहला देने वाले मंजर को अभी कोई भूला ही ना था कि एक और तबाही इस्तांबुल में आ गई। दोस्तों, जहाँ तूफानी बारिशों ने भारत से लेकर सऊदी अरब तक में तबाही मचा के रख दी, वहाँ तुर्किया का शहर इस्तांबुल भी इस तबाही बारिशों की जिद में आ गया। कहते हैं दोस्तों, ऐसे आफात का पैदर पै जमीन पे उतरना अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तुर्किया में ऐसा भी कौन सा खुला इर्तकाब कर रहा है कि जिससे ये आफताब तुर्किया पर टूट रही है। इस्तांबुल पूरे का पूरा पानी में बहने लगा है, बिजली का निज़ाम तबाह हो चुका है, गाड़ियाँ पानी में कश्ती की मानिंद तैर रही हैं, हर सू तबाही का मंजर है। दोस्तों, सुनने में आया है कि जहाँ तूफानी बारिश का सिलसिला सबसे पहले शुरू हुआ, वहाँ कुछ देर पहले ऐसा वाकया पेश आया था कि देखने वालों के दिल दहल गए थे। शायद ये तबाही और तूफानी बारिशों का सिलसिला इस वाकये से जुड़ा हुआ है। ये वाकया नौजवान लड़कों का है जो कि इस्तांबुल के कुछ बैरूनी साइड पर, जहाँ जंगलों का सिलसिला था, वहाँ कैंप लगाकर बैठे थे। ये लड़के अय्याश किस्म के लड़के थे, अक्सर अपनी अय्याशी के लिए शहर से बाहर कैंपिंग लगाते और वहाँ पर शराब का दौर चलता। दोस्तों, जहाँ पर ऐसे ऐसे गुनाहों का इर्तकाब हो कि सुनने वालों की रूह कांप जाए, तो वहाँ आसमानी और ज़मीनी अजाब का आना लाजिम सी बात है। ऐसा ही कुछ लड़कों ने भी किया था। दोस्तों, जो कुछ उन लोगों ने हैवानियत के नाम पर किया था, उसे सुनकर शायद आपका दिल भी दहल कर रह जाए। वो एक जंगलनुमा छोटी सी जगह थी और उससे कुछ दूरी पर गरीब तबके की आबादी भी आबाद थी। वो लड़के अपनी गाड़ी की डिग्गी में शराब की बोतलें और दीगर लवाजमात लेकर लाए थे। उन्होंने वहाँ पर एक तेज़ म्यूज़िक लगा रखा था और तेज़ म्यूज़िक लगाए वो शराबें पी रहे थे। दोस्तों, उन लोगों की महफिल रात के 3 बजे अपने अरूज पर थी। वो लोग नशे से चूर थे कि जब वहाँ पर एक 10 साला बच्चा उड़ी हुई रंगत के साथ उनके खैमों के पास पहुँचा। वो बच्चा उसी गरीब बस्ती का रहने वाला, वो उन लड़कों से कहने लगा कि खुदारा उसकी मदद करें, उसका बाप बीमार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इस आबादी से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था और उसके पास कोई सवारी ना थी। रोते हुए सब लड़कों के आगे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि अगर वो अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके बाप को हॉस्पिटल ले जाएं तो वो बच सकता है। लेकिन वो लोग उस बच्चे को नज़रअंदाज किए अपने नाच गानों में मसरूफ थे कि उस लड़के ने गुस्से में आकर उनका टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। ये देखकर बहुत से लड़के इश्ताल में आ गए। वो कहने लगे, खुदा के लिए मेरे बाप को बचा लो, वो मर जाएगा और मेरा मेरे बाप के अलावा और कोई भी सहारा नहीं है। उन लड़कों ने उस बच्चे को धक्का दे दिया और कहा कि मरता है तो मर जाए तुम्हारा बाप, तुम कौन होते हो हमारी चलती महफिल को रोकने वाले। वो लड़का रोने लगा। उस बच्चे ने उनकी बहुत मिन्नत समाजित की, लेकिन वो नौजवान सवाकी की तस्वीर बने रहे। वो लड़का मायूस होकर जब वापस जाने लगा, तो उन सब दोस्तों में से किसी एक को शरारत सूझी। उसने अपने बाकी साथियों से कुछ ऐसा कहा कि वो सब लड़के इस बात पर राजी हो गए। दोस्तों, वो लड़का अभी वापस जा ही रहा था कि जब एक नौजवान ने उसे कहा कि वो उसकी मदद करने को तैयार है। ये सुनकर उस बच्चे ने पलट कर देखा और खुश हो गया। वो कहने लगा, आप लोग जल्दी मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने घर लेकर जाता हूँ। उस वक्त तक 2 नौजवान उस बच्चे के पास पहुँच गए थे। एक ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगे कि तुम्हारा इस काम की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर वो बच्चा हैरत से उनके चेहरों की तरफ देखने लगा, कहने लगा, क्या मतलब। वो कहने लगे कि अभी बताते हैं। ये कहकर दोनों लड़के उसे अपने साथ उस कैंप में ले गए और कैंप को अंदर से बंद कर दिया। उस लड़के के साथ जिनसी ज्यादती करने लगे। वो लड़का जब चीखने चिल्लाने लगा, तो एक रुमाल उसके मुंह में ठोंस दिया, उसके हाथों को पीछे करके बांध दिया। वो नौजवान शराब के नशे में इंसानियत भूल चुके थे। वो लड़का बिना आवाज के आंसू बहाता रहा, अपनी आँख को छुड़वाने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन उन लड़कों पर तो शैतान हावी हो चुका था। एक के बाद एक नौजवान उस लड़के के साथ ज्यादती करता रहा, यहाँ तक कि जब 11वीं नौजवान की बारी आई तो वह बच्चा मर चुका था। ये देखकर तो उन सब लड़कों का नशा टूट चुका था। अब वो ये सोच रहे थे कि इस बच्चे की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि वो कोई घना जंगल तो था नहीं जहाँ वो उसे फेंक देते।
और वो हर वीकेंड पे वहीं पे कैंप लगाते थे, इसलिए जब भी बच्चे की लाश मिलती शक उन्हीं पर जाता। जो कुछ उन्होंने उस बच्चे के साथ दरिंदगी अपनाई थी, आसमान भी इस जुल्म पर आंसू बहाने लगा था। बिन मौसम ही बरसात शुरू हुई थी। वो लड़कों ने अपना कैंप समेटा और उस बच्चे की लाश को भी एक गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। और आनन फानन ही बारिश तेज़ हो चुकी थी। वो सब लड़के जल्द अज जल्द अपनी गाड़ियों में बैठे और वापसी की तरफ रवाना हो गए। वो चाहते थे कि अगर उन्हें कोई दरिया या कोई सुनसान जगह ऐसी मिली तो उस बच्चे की लाश को वहाँ फेंक देंगे। मगर जैसे ही उनकी गाड़ियाँ मेन रोड तक पहुँची, वहाँ पुलिस मोबाइल घूम रही थी। उसे देखकर तो उनकी जान ही निकल गई। उन्हें ये डर लाहिक होने लगा कि कहीं वो पकड़े ही ना जाएं। लेकिन वो पुलिस मोबाइल उनके पास से गुजर के आगे बढ़ गई थी। उन सब की रुकी सांस बहाल हुए थे। उन्होंने सुनसान सी जगह देखकर उसके किनारे में उस बच्चे की लाश को फेंक दिया और खुद अपनी गाड़ियों में बैठ के आहिस्ता आहिस्ता वो बारिश तो तूफानी रूप अख्तियार कर चुकी थी। बादलों की गर्ज इस जोर से सुनाई देने लगी थी कि दिल कांप के रह गया। कुछ ही देर में जब वो लोग आबादी के करीब पहुंचे तो पानी सड़कों पर बेतहाशा भर चुका था। वो लड़के बहुत परेशान हो गए क्योंकि अब उनकी गाड़ी के इंजन भी पानी से भर चुके थे। जैसी तूफानी बारिश हो रही थी, आज तक कभी उन्होंने इस्तांबुल में ऐसी बारिश नहीं देखी थी। उनकी गाड़ी के पूरे टायर पानी में डूब चुके थे। ऊपर से आसमान पर चमकती तेज बिजली और गरजते बादल लगता था कि बिजली उन पर ही गिर पड़ेगी। वो जल्द अज जल्द अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो लोग गाड़ी से नीचे उतर गए। पानी उनके घुटनों से भी ऊपर हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें कि ऐन उसी वक्त आसमानी बिजली करीबी बिजली के खंभों में जा टकराए। एक मिनट में बिजली की तारों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। करंट की चंद तारें जमीन पर गिर गईं। बिजली की तारें जैसे ही पानी में गिरी, पूरे पानी में करंट फैल चुका था। इत्तेफाक है कि उस वक्त वहाँ पर सिर्फ उन लड़कों की गाड़ियाँ ही मौजूद थी। तमाम लड़के तड़पने लगे। पूरे पानी में करंट फैल चुका था। वो तड़प रहे थे, मदद के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत कम लोग थे। लेकिन जो थे वो भी मदद के लिए नहीं आ सकते थे क्योंकि वो भी मौत की नज़र हो जाती। वहाँ खड़े लोगों ने उन लड़कों की मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखा। वो तड़प रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन बारी बारी सभी मर गए। इसके बाद इस्तांबुल में ऐसा तूफान आया कि निज़ाम में ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। सुनने में आता है कि इस्तांबुल में हम जिंस परस्ती आम होने लगी है और अक्सर ऐसे नौजवानों की ज़्यादती का निशाना मासूम बच्चे ही बनते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में बाज साबिका उम्मतों को उनके कुफ्र शिर्क और फस्क फजूर के सबब हलाको बर्बाद कर देने का तज़किरा मुतद्दद मकामात पर किया है ताकि लोग उससे दर्स इबरत हासिल करें और इन कौमों के कुफर और नाशुक्री और मौसीत से बचकर अल्लाह ताला के अजाब व अताब से महफूज हों। इन्हीं उम्मतों में से एक कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी, फौशो मुनकरात, बेहयाई और हम जिनसी के सबब अल्लाह ताला के सख्त तरीन अजाब की अकदार हुई। इस्लामी माशरे को ऐसी गंदी खबीस घिनौनी आदात से बचाने के लिए अल्लाह ने इस जुर्म के मुर्तकिब के लिए सख्त सजा तजवीज़ फरमाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम में से जो भी कोई बदकारी का इर्तकाब करे तो उन दोनों को इज़ा पहुँचाओ, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी असलाह कर लें तो उन्हें सजा देने से गुरेज करो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। सूरह अल-निसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। इसमें हज़रत जाबिर और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत मजकूर है। हम इसे हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से सिर्फ इसी तरीक से पहुँचाते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक ने इस हदीस को उमर बिन अबी उमरों से रिवायत किया और फरमाया, कौमे लूत का सा अमल करने वाला मालून है, कत्ल का जिक्र नहीं किया। नीज़ ये भी मजकूर है कि चुपाए से बदफेली करने वाला भी मालून है। बवास्ता आसिम बिन उमर, सुहेल बिन अबी साले और अबू साले, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये रिवायत मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। इस हदीस की इसनाद में कलाम है। हम नहीं जानते कि इसे आसिम के सिवा किसी और ने सुहेल बिन अबी साले से रिवायत किया हो। आसिम बिन उमर हिफ्ज़ के अतबार से हदीस में ज़यीफ़ है। दूती की सज़ा में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ के नज़दीक शादीशुदा हो या कमारा उस पर रजम है। इमाम मालिक, शाफी, अहमद और इसहाक रहमतुल्लाह का कौल है। बाज़ फुकहा ताबईन जिनमें अज़द हसन बसरी, इब्राहिम नखी और अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह शामिल हैं, फरमाते हैं, लवादत करने वाले की हद वही है जो जानी की है। सफियान सूरी और अहले कूफा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे गुनाहों से बचाए और अपने गुस्से और गज़ब से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन।